नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इससे प्रोडक्शन की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करेंगे विद्युत चावान की आने वाली मूवी द पावर के ट्रेलर का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो फिल्म है विद्युत चावान की जो लाइफ में लगातार तीसरी फिल्म है जो OTT पर रिलीज हो रही है, इसमें ये इससे पहले विद्युत जामवाल की यारा और खुदाफिस ये दोनों फिल्में भी OTT पर रिलीज़ हो चुकी हैं। इसमें इन दोनों फिल्मों में वो अगर हम लोग विद्युत जामवाल की लाइफ की बात करें तो विद्युत जामवाल का एक अब ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें जो एक एक्टर का सबसे अच्छा टाइम चलता है। इसमें मतलब इस टाइम में विद्युत जामवाल की जो भी फिल्में आ रही हैं वो पूरी सुपरहिट हो रही हैं। इससे पहले यारा सुपरहिट, उसके ऊपर खुदाफिस सुपरहिट हुई, और अभी तीसरी फिल्म द पावर आ रही है जी फ्लैक्स पे। इसको जो इसके जो इसका डायरेक्टर है वो महेश मांजरेकर है, और इसके जो निर्माता है विजय गलानी। विजय गलानी ने इससे पहले आधा दर्जन फिल्में बनाई जिसमें अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, सलमान खान वाले साथ सबके साथ फिल्में बनाई। इससे पहले बस उनकी एक फिल्म हिट हुई थी जिसका नाम था बेवफा। बेवफा हिट हुई थी, उसके बाद इन्होंने ये फिल्म बनाई। ये फिल्म काफ़ी टाइम पहले से बन रही है, पर इसको प्लान था कमांडो 3 के बाद डायरेक्ट रिलीज़ करने का, पर ये रिलीज़ नहीं हो पाई। आखिर में आके विजय गलानी को ये फिल्म जी फ्लैक्स को बेचनी पड़ी। अब जी फ्लैक्स इसका प्रीमियर कर रहा है 14 जनवरी को। अगर हम लोग ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में आपको बहुत सारे फाइट सीन देखने को मिलेंगे, कुछ लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में कुछ ऐसा फील होता है कि मतलब एक कपल होता है जो आपस में रिलेशन में होता है, जिसमें लड़के का बाप लड़की के बाप को शायद मार देता है, या लड़की के परिवार में से कोई लड़की के बाप को मार देता है, लड़के के बाप को मार देता है, तो लड़की उसका बदला लड़के के पूरे परिवार से लेती है। कुछ इस तरह की इसका ये कहानी है। ये इसमें आपको मेन लीड में विद्युत चावान और श्रुति हर्षन देखने को मिलेंगे, साथ में इसमें आपको प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म आपको 14 जनवरी को जी फ्लैक्स पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।